हेलो एंड वेलकम टू क्रिकमेश। दोस्तों, हम आपके लिए क्रिकेट से जुड़ी टॉप न्यूज़ ऑफ द डे लेकर आए हैं। क्रिकेट की दुनिया में कौन कौन सी खबरें आई हैं आज, वो सब हम आपको आज बताने वाले हैं। तो आज की पहली न्यूज़ ये है कि आरसीबी कैप्टन ने, जो कि वहाँ यूएई पहुँच चुके हैं, हालांकि उनके सारे प्लेयर्स भी यूएई पहुँच चुके हैं, उन्होंने आज ऑफिशियल मीटिंग बुलाई थी। हालांकि प्लेयर्स वहाँ मौजूद हैं, फिर भी जो मीटिंग थी वो वाया वीडियो कॉल हुई थी। उसमें आरसीबी कैप्टन ने सारे प्लेयर्स और टीम मैनेजमेंट को कड़ी चेतावनी दे दी है कि कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। किसी एक की गलती की वजह से टूर्नामेंट पे बुरा असर पड़ सकता है, तो सब अपना ध्यान रखें। अगर किसी ने भी लापरवाही बरती तो उसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। तो ये उन्होंने सीधे सीधे शब्दों में एक कड़ी चेतावनी दे दी है पूरे प्लेयर्स को। और दूसरी न्यूज़ आज की ये है कि जो आईपीएल के फैंस को ऐसा लग रहा था कि जो प्लेयर्स हैं इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स हैं, जो सीरीज़ होने वाली है अभी T20 और ODI इंग्लैंड में, उसकी वजह से एक या डेढ़ हफ्ता डिले पहुंचेंगे आईपीएल में, और उनका हिस्सा लेना जो है, पार्टिसिपेशन जो है, थोड़ा डिले हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है, बीसीसीआई ने इसका पूरा इंतजाम कर दिया है, और जो भी प्लेयर्स हैं, इंग्लिश प्लेयर्स और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स, वो टाइम पर पहुंचेंगे। हालांकि 2 या 3 दिन से ज़्यादा डिले नहीं होने वाला है, तो उसका भी इंतजाम बीसीसीआई ने ये किया है कि जिस टीम पर इनके पार्टिसिपेशन का सबसे ज़्यादा असर पड़ने वाला था, जैसे कि KKR हो गई, राजस्थान रॉयल्स हो गई और SRH की टीम हो गई, तो इन टीम्स पे इनकी अवेलेबिलिटी की वजह से थोड़ा ज़्यादा असर पड़ने वाला था, क्योंकि इन टीम्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के ज़्यादा प्लेयर्स भरे पड़े हैं। तो इन टीम्स की जो शेड्यूलिंग होगी वो थोड़ी सी डिले कर दी जाएगी, जैसे कि पहले जो मैचेज होंगे वो MI और CSK और RCB के मैचेज ज़्यादा होंगे, और जो RR, SRH और KKR की जो शेड्यूलिंग होगी वो थोड़ा 2-3 दिन के बाद ज़्यादातर मैचें रखे जाएंगे। तो ये BCCI ने ऐसा इंतजाम किया है, और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जो सारे प्लेयर्स हैं, इंग्लिश और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स, वो सारे करीब 2 या 3 दिन में ही अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये एक IPL फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि सारे टॉप प्लेयर्स अवेलेबल होंगे फर्स्ट वीक में ही। और जो तीसरी जो बड़ी खबर है वो है इंग्लैंड पाकिस्तान के बीच जो मुकाबला चल रहा है, तीसरा टेस्ट क्रिकेट, उससे जुड़ी एक खबर है। इसमें एंडरसन जो है 600 विकेट से सिर्फ 2 विकेट दूर हैं। अगर वो 600 विकेट ले लेते हैं तो विश्व के पहले तेज गेंदबाज होंगे जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लिए होंगे, और सिर्फ वो 2 विकेट दूर है। हालांकि इस टेस्ट मैच में की अगर बात करें तो उनके 4 से 5 कैचेस ड्रॉप हो चुके हैं ऑलरेडी। अगर वो ड्रॉप नहीं होते तो ये 600 का आंकड़ा ऑलरेडी पार कर गए होते। उसी टेस्ट में अजहर अली ने भी कल 6000 रनों का आंकड़ा पार कर लिया जब उन्होंने अपनी 17th सेंचुरी लगाई थी। क्रिकेट से जुड़ी अगली खबर ये है कि जैक्स कालिस, लिसा स्टालेकर जो कि वीमेन क्रिकेटर हैं, और जहीर अब्बास जो कि पाकिस्तान के बहुत बड़े प्लेयर हैं, उन्होंने फर्स्ट क्लास में 108 सेंचुरीज लगाई है। हालांकि वो एशिया की तरफ से सबसे ज़्यादा फर्स्ट क्लास सेंचुरीज लगाने वाले प्लेयर हैं। इन तीनों प्लेयर्स को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया गया है। तो ये थी आज की क्रिकेट की दुनिया से जुड़ी कुछ टॉप क्रिकेट न्यूज़। ऐसे ही हम आपके लिए डेली टॉप क्रिकेट न्यूज़ लेकर आते रहेंगे क्रिकमेश पर। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल क्रिकमेश से। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। हम आपसे फिर मिलेंगे कुछ टॉप क्रिकेट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।